अच्छा यूसुफ भाई आपने बात आपने बात की के, हाँ। जब टीम में सीनियर्स थे इंजमाम भाई उनका बहुत फायदा हुआ आपको और अगर हम पाकिस्तान के जो टॉप जो पार्टनरशिप्स हैं अगर हम उनको देखें तो टॉप टीम में आपका नाम आता है आपकी और यूनुस भाई की जो पार्टनरशिप्स होती थी आपकी और इंजी भाई की जो होती थी अगर आपसे पूछा जाए कि आप ज्यादा किसको इन्जॉय करते थे किसके साथ बैटिंग करना ज्यादा इंजॉय करते हैं तो आप किस बैट्समैन को पिक करेंगे देखिए मैं, मैं मैंने सईद भाई और इजमाम भाई के साथ क्रिकेट खेली काफ़ी और मुझे मज़ा तो इन दोनों से ही आता था खेलने का दोनों के साथ क्योंकि सईद भाई तो खैर अगर आप अभी नासिर हुसैन का भी इंटरव्यू देख लें और शेन वान की बात सुन लें तो वो तो और ऑस्ट्रेलिया की थ्रू आउट कमेंट्री सुन लें जब से सईद भाई खेलना शुरू हुए तो वो ये एक बात करते हैं कि पाकिस्तान ने बेस्ट एवर प्लेयर जो प्रोड्यूस किया बैट्समैन जो प्रोड्यूस किया वो सईद अनवर है और सईद अनवर वाकई ऐसा प्लेयर था कि उनके साथ जब इंसान खेल रहा होता था, था उसे और किसी चीज़ की फिक्र नहीं होती क्योंकि सामने से रन ऐसे बन रहे होते थे जैसे कोई अः कोई मसला ही नहीं हो रहा जैसी मर्जी विकेट हो और एक चीज इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जब वो आ, बैटिंग करने के लिए जा रहे होते थे और ड्रेसिंग रूम में बैठे होते थे इतने नर्वस होते थे कि सोच नहीं सकता लेकिन जैसे वो रस्सा क्रॉस करते थे एंटर होते थे तो एकदम टोटली डिफरेंट प्लेयर नजर आते थे उनसे बेहतरीन कोई प्लेयर नजर ही नहीं आ रहा होता था इवन शेनवान ने तो ये भी कह दिया कि वर्ल्ड एलेवन कभी भी बने तो सईद उसमें आता है बेस्ट प्लेयर है तो सईद भाई के साथ खेलना इंजमाम के साथ खेलना और इंजमाम भाई के साथ खेलना तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही दोनों के साथ खेलना बहुत मजे की चीज है और क्योंकि दोनों एक पाकिस्तान के दुनिया के बेहतरीन प्लेयरों में आता नाम उनका तो ये हमारी खुशकिस्मती है और मुझे सीखने का बहुत मौका मिला दोनों से इसीलिए अच्छा, जो थोड़े बहुत हमने भी रन कर लिए बाद में उसमें उनका भी बहुत हार है कि उनसे सीखने का बहुत मौका अच्छा यूसुफ भाई आपने भी थोड़ी देर पहले बात की कि जो रन है उसकी इतनी उसको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देनी चाहिए जितनी के हमें क्वालिटी ऑफ रन को आ, देनी चाहिए तो अभी रिसेंटली लास्ट ईयर पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की एक सीरीज थी जिसमें कि पाकिस्तान के बैट्समैन ने पांच सेंचुरीज की और पाकिस्तान फिर भी वो सीरीज फाइव ने हार गया आपका मुझे याद है आपने दो सेंचरीज ऐसी की थी जिसमें आपने इनिंग्स की लास्ट बॉल पे छक्का मारा था आपको सेंचुरी आपको सेंचुरी की जरूरत थी मतलब छक्के की जरूरत थी और आपने इनिंग्स की लास्ट बॉल पे छक्का मारा अगेंस्ट इंडिया और जिम्बाब्वे और मुझे याद है कि आपने अखबार में एक स्टेटमेंट दी थी कि मैंने वो छक्का अपनी सेंचुरी के लिए नहीं मारा था टीम्स के रन के लिए मारा था तो आप जरा इसके ऊपर थोड़ा बताइएगा कि आजकल की क्रिकेट में ये कुछ माइल की ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं हो गई कि प्लेयर्स अक्सर सेंचरीज की तरफ जाते हैं बजाय इसके वो टीम्स के रन को देखें वो उसमें मैं हो सकता है पता नहीं मुझे तो याद नहीं वो इंटरव्यू लेकिन ये है कि अपना आखिरी बॉल है तो मैक्सिमम छह ही हो सकता है इससे ज्यादा तो हो नहीं सकता तो कोशिश तो यही थी कि ज्यादा ज्यादा रन बन जाए तो वो मैं बॉल भी कुदरती ऐसी जगह पे मिल गई मेरा ख्याल है कि जो इंडिया के खिलाफ थी वो मुझे वाली मिल गई थी एशिया कप में थी ढाका में और जो मैंने दूसरी बांग्लादेश जंबावे के खिलाफ आखिरी बॉल पर सेंचुरी की थी वो फुल टॉस मिल गई थी तो लकी था दोनों बॉलें अच्छी जगह पे मिल गई और मैं सेट खेल रहा था 94 पे था तो ये कुदरती तौर पे अल्लाह ने ये करवाना था वो हो गया बर ये है कि हर इंसान देखें कोशिश तो हर प्लेयर की यही होती है कि वो ऐसे रन करे जिससे वो टीम भी जीते और उसका भी फायदा हो लेकिन मैं वो जो मैं जो बात कर रहा था वो ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जैसे मैंने कहा कि मैंने इसे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनवा दी अल्लाह ने और भी, भी रिचर्ड का रिकॉर्ड करवाया तो इसका ये मकसद नहीं कि मैं उससे अच्छा प्लेयर होंगे तो मेरा ये कहने का मकसद है किसी के रन ज्यादा हो जाए तो उसको आप ये नहीं कह सकते कि आप सईद अनवर के तो रनज ही बहुत कम है टेस्ट में हनीफ भाई के रन ही बहुत टेस्ट में कम है जहिर अब्बास के रनज ही बहुत कम है टेस्ट में तो अब वो क्या ख्याल है कि वो हम उनसे अच्छे प्लेयर हो गए मेरे उनसे ज्यादा रन तो इसका ये मकसद नहीं कि मैं उनसे अच्छा प्लेयर होंगे लेकिन देखा यह जाएगा कि वो प्लेयर किस तरीके से खेल रहा है उसने कहाँ रन किए हैं वो कैसी बॉलिंग के खिलाफ खेला है कैसी विकों पर खेला है ये सारी चीजें देखनी पड़ती हैं सही अनवर को क्यों रेट किया जाता है कि उसने हर जगह जाके इवन क्रिकेट खेली वनडे टेस्ट में वनडे में स्पिनर पे फास्ट बॉलर पर पाकिस्तान में पाकिस्तान से बाहर जाकर उसने जहां भी जाकर क्रिकेट खेली है उन्होंने डोमिनेट किया बॉलर्स को आउट हो जाना ये एक और चीज है लेकिन जब इंसान खेल रहा होता है उसके खेलने का तरीका बता रहा होता है ये कितना बड़ा प्लेयर है तो शहीद अनवर को जो दुनिया रेट करती है पाकिस्तान का बेस्ट प्लेयर कहा जाता है बल्कि दुनिया का मैं शेनवान का बार बार नाम ले रहा हूँ क्योंकि दुनिया में उससे अच्छा स्पिनर नहीं आया दो स्पिनर आए हैं जिनको मैं रेट करता हूँ जो मैं समझता हूँ बाकी हर इंसान की अपनी एक राय है एक शैनवान और दूसरा सकलैन मुश्ताक सकलैन मुश्ताक अब उसकी तो दो या तीन सौ विकटें हैं उसका कोई नाम नहीं लेता क्यों जी विकटें ज्यादा नहीं वो भाई दूसरा निकाला किसने था ऑफ स्पिनरों को डेंजरस किसने बनाया था वो तो सकलैन ने बनाया बाकी तो उस वक्त किसी को बॉलिंग ही करनी आती थी तो पे नहीं करते रहते थे, थे। आखिरी ओवर्स में कौन बॉलिंग करता था स्टार्ट किसने लिए है मुश्ताक ने लिए लेकिन ये हमारा ना को पाकिस्तानी नाम लेता उसका ना कोई बाहर का नाम लेता क्योंकि विकटे ज्यादा नहीं अल्लाह के बंदे विकटे तो किसी की भी हो सकती है अच्छा ये मकसद थोड़ी है कि आप उसका नाम ही नहीं लेंगे आप अब आप

जिसमें सचिन ड्राविड अजरुद्दीन लक्ष्मण गंगुली आप अंदाजा लगाए पांच ऐसे बैट्समैन जो प्रॉपर बैट्समैन है एक ही टीम में और उनके खिलाफ उसने इतनी ली ख्याल उसके तीन टेस्ट मैच एक एशियन टेस्ट चैंपियनशिप का था दो ये पच्चीस से तीस विकटे थी ये। जी ये कोई आसान बात है इतनी बड़ी टीम के खिलाफ इस तरह विकटे लेने और उनके मुल्क में जाकर अच्छा यूसुफ भाई ऑस्ट्रेलिया में छह विकेटे लिए हुई है ये मेरा मकसद है कि ऑस्ट्रेलिया में तो जाके आप देख लें अभी मुश्किल हो गई थी लोगों लेकिन सकलैन की बॉलिंग चेक करें उस वक्त जो इतनी बड़ी टीम थी उस वक्त की उनके खिलाफ इंग्लैंड में ऑस्ट्रेलिया में दुनिया की हर जगह जाके उसने आउट किए हैं बस बदकिस्मती इंजरीज की, की वजह से वो ज़्यादा नहीं खेल सका लेकिन उससे अच्छा स्पिनर नहीं आया ऑफ स्पिनर की दुनिया में